हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हम सफ़र। क्योंकि दोस्त जॉब ज़रूरी है। जैसा कि दोस्त आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे BPSC 64वीं मेंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन GS पेपर 1 हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चंस पटना के मार्केट में या दिल्ली के मार्केट में सभी टीचरों द्वारा एक क्वेश्चन गेस्ट क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चंस को आपको देख करके जाना है, पढ़ करके जाना है। क्योंकि दोस्त यदि आप BPSC 64वीं मेंस लिख रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होना जरूरी है, इसका सिनॉप्सिस आपके दिमाग में होना जरूरी है। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्त मैं बता देता हूँ कि आज का जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ बिहार में पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 60 से 62वीं में आपका पूछा है यहाँ पे मौर्य कला और फिर 63वीं में पटना कलम। तो आपका 64वीं में ये वाजिब सी बात है कि आपका यहाँ पे पाल कला यहाँ पे आपका पूछा जाएगा। तो चलिए पाल कला को आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। पाल कला आपका फर्स्ट चॉइस होगा, सेकंड चॉइस आपका होगा होगा मौर्य कला। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट चॉइस जो आपका पाल कला है उसके बारे में और उसके हर आयामों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन है कि बिहार में पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दें। तो इसका मैं आपको सिनॉप्सिस बताऊंगा, इसका मैं डिटेल से हर चीज़ का एनालिसिस करूंगा। आप अपने एक नोटबुक निकाल लीजिए अपना नोटबुक और जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको यही चीज़ एग्जाम में लिखाने वाली है। और यदि अच्छे से इस वीडियो को एक से दो बार देख लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर उसे आपको सीधे एग्जाम में जाइएगा तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। बस अतः दोस्त आप एक बार लिखने का प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि मेन्स इज ऑल अबाउट आपको राइटिंग राइटिंग राइटिंग। मेन्स यदि आप लिख रहे हो तो आपको वहाँ पर अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि यहाँ पे कह रहा है बिहार में पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दें। यहाँ पे थोड़ा कला का डिफाइन कर देंगे, कला होता क्या है। तो कला मानव के रचनात्मक कल्पनाओं की मूर्त अभिव्यक्ति है, साथ ही इससे किसी काल विशेष की संस्कृति की पहचान होती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए हम लोग को जो भी कुछ मूर्तियाँ मिलती है, मंदिर मिलते हैं, जो मंदिर हम लोग को दिखते हैं, वो मंदिर क्या शो करता है? ये मंदिर वो शो करता है कि जिस काल में बना होगा उस काल के लोग मतलब कैसे कलाकार थे, उस किस तरह की संस्कृति थी, उन सारे चीज़ों को जो हम लोग चित्रकला देखते हैं, पहले वाला चित्रकला या आपको मध्यकाल का चित्रकला मिल जाए या फिर आपको यहाँ पे आधुनिक काल का चित्रकला जैसे मधुबनी पेंटिंग और पटना पेंटिंग, तो उसमें क्या दिखता है? हमारा जो नेचुरल चीज़ है, जो मतलब जिस तरह का हमारा समाज था, जिस तरह की हमारी संस्कृति थी, उन सारे चीज़ों को यहाँ पे आपको देखने को मिलता है उस आपके स्थापत्य कला से, उस आपके मूर्ति कला से या फिर उस आपके यहाँ पे आपके वास्तु कला से। तो दोस्तों तो उसी तरह आपको लिख देना है डिफिनेशन। सबसे पहले आपको डिफाइन कर देना है कि कला मानव के रचनात्मक कल्पनाओं की मूर्त अभिव्यक्ति है, साथ ही इससे किसी काल विशेष की संस्कृति की पहचान भी होती है। मैंने आपको बता दिया कि संस्कृति की पहचान होती है कि मतलब उस वक्त कैसा संस्कृति था, कैसा धर्म था, कैसा मतलब कैसे समाज रहते थे, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे क्लियर दिख जाता है कला के माध्यम से। तो इस दृष्टिकोण से पाल कला का विशेष महत्व है। तो चलिए इस दृष्टिकोण से पाल कला का विशेष महत्व है। जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि पाल कला से पहले आपको जो आपका यहाँ पे आपका प्राचीन कला था दोस्त, प्राचीन कला जैसे मैं बांध देता हूँ बिहार का कला, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ ब्रॉडर सेंस में। बिहार में कला का विकास 3 चरणों में हुआ। पहला आपका हुआ प्राचीन कला जो आपका है प्राचीन समय में, दूसरा हुआ आपका दोस्तों मध्यकाल में, तीसरा हुआ आपका यहाँ पे जो हुआ है आधुनिक काल में। तो प्राचीन काल में जो आपका कला का विकास हुआ है वो कला का विकास सबसे पहले आपका मौर्य कला हो गया, दूसरा हो गया आपका जो गुप्ता काल में हुआ था तो वो वाला गुप्त कला बोल सकते हैं। मध्य में दोस्तों आपका हुआ था यहाँ पे जो हुआ था आपका पाल कला। तो आपको ध्यान रखना चाहिए पाल कला का विकास भारत के जो मध्य काल से, हम लोग टाइम बांटते हैं अपने हिस्ट्री का, तो एक बांटते हैं एंशियंट, एक बांटते हैं मेडाइवल, एक बांटते हैं हम लोग यहाँ पे मॉडर्न। तो ये आपका मॉडर्न काल का ये आपका कला है पाल कला, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आपका यहाँ लिखा हुआ किस दृष्टिकोण से पाल कला का विशेष महत्व है, क्योंकि इसने न सिर्फ मौर्य कला से विकसित हो रहे विकास बिहार की समृद्धिशाली कला परंपरा को निरंतरता व विस्तार मिला है। जैसे जो मौर्य कला से हम लोग कला का विस्तार आ रहा है उसका विस्तार आएगा आपको पाल कला में दिखेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि पाल कला का जो कला है उसमें एज ए बेस मतलब आधार के रूप में मौर्य कला का कला आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो ऐसा हम लोग देखेंगे आगे कौन कौन से चीज़ है जो पाल कला में हुआ है, जो मौर्य काल का ही रिपीटेशन हुआ है, उस सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं आगे। बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ।
और देखिए दोस्त, मैं इस वीडियो को आपको दे दूंगा, आप इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा। बस मेरा ये सेंस यही है कि मैं आपको समझा दूं हर चीज़ों को, ताकि आप क्वेश्चन को आराम से लिख दें। चलिए इस बार हम लिख देना, आपको लिख देना है कि मौर्य कला से कला का विकास हो रहा और पाल कला में इसकी क्या मिली, इसको और कला का ज़्यादा विकास हुआ पाल कला में, यानी इसको उसकी मतलब विकास को निरंतरता मिली यहाँ पे। इस बार यहाँ पर दिखाएंगे कि इसका जैसे मौर्य कला में उसका विकास है जो बस देशीय विकास हुआ था, यानी सिर्फ देश में विकास का हुआ था, बिहार और उससे संबंधित कुछ सटे क्षेत्र थे वहीं पर विकास हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका जो पाल कला है, पाल कला का विस्तार आपको जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, जैसे नेपाल हो गए, म्यांमार हो गए, ये सब सारे मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीलंका में ये मेरा हमारा पाल कला है जो वहाँ पे फैला, तो इसका आपको दिखा देना है। ये आपका इंट्रो पार्ट हो गया दोस्तों। और देखिए कोई भी एग्जाम में आप इंट्रो पार्ट दमदार लिख देते हैं तो बाकी जो नीचे वाला पॉइंट थोड़े कम भी अच्छे होते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन का मेन आधार इंट्रो होता है, इंट्रो आपका अच्छा होगा तो आपको यहाँ पे मार्क्स अच्छे हो जाते हैं। तो इंट्रो थोड़ा आप समय लीजिएगा इंट्रो लिखने में, और थोड़ा इंट्रो दमदार लिखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाल कला की प्रमुख विशेषताओं को स्थापत्य मूर्तिकला और चित्रकला के रूप में लोग उसके विकास के संदर्भों को देखा जा सकता है। जैसे पाल कला में तो बोल दिया था, पाल कला में तो बहुत सारी चीज़ आते हैं, पाल कला में स्थापत्य कला आते हैं, मूर्तिकला आते हैं, चित्रकला आते हैं। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया कि पाल कला का जो आपको विशेषता है उसको बताना है, तो यानी आपको पाल कला में जो स्थापत्य कला था उसकी विशेषता बताना है, पाल कला में जो मूर्ति कला था उसकी विशेषता बताना है, पाल कला में जो चित्रकला था उसकी विशेषता बताना है। तो चलिए दोस्त हम लोग बारी बारी से हर चीज़ को देख लेते हैं। इसमें आपको बस एक सिनॉप्सिस बना लेना, पहले मैं क्या बताया, पहले मैं बताया कि आप डिफिनेशन लिखना आपको कला का, उसको आपको बताना है कि मौर्य काल से ही कला का विकास हो रहा है और पाल कला में इसकी बहुत ज़्यादा निरंतरता, इसकी विकास और बढ़ी, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक है मेरा कला जो पाल कला पहुंची, आपको ये लिख देना है। इस बार दिखा देना है कि आपको पाल कला में आपको यहाँ पे तीन चीज़ आते हैं, मूर्तिकला आते हैं, चित्रकला आते हैं और विशेष आपका स्थापत्य कला आते हैं। अब देखिए स्थापत्य कला में भी दो चीज़ आते हैं, स्थापत्य कला में हिंदू मंदिर का स्थापत्य और बौद्ध मंदिर जो बौद्ध है उसका स्थापत्य। अब स्थापत्य होता क्या है मैं उसके बारे में बताऊंगा, पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ उसको। इस बार आपको मूर्तिकला में आएगा कांसे की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, जैसे मौर्य काल में सिर्फ आपको पत्थर की मूर्तियाँ मिलेगी, लेकिन यहाँ पे पाल कला में आपको कांसे की मूर्तियाँ मिलती है। ऐसे कांसे की मूर्तियाँ तो आपको यहाँ पे भी मिली थी, जो आपको मोहनजोदड़ो में आपने देखा होगा, जो नर्तकी का जो आपका यहाँ पे जो मूर्ति मिला था वो भी कांसे का बना हुआ था। उसको छोड़ दे तो उसके अलावा जो भी यहाँ पे जो भी हमारे मूर्तियाँ जो मिलती है कांसे की, वो मिलती है आपको पाल कला के संदर्भ में। उसके बाद दोस्तों चित्रकला की बात करें तो पाल कला में चित्रकला आपका पांडुलिपि और भित्ति चित्रण के रूप में मिलता है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं डिटेल में, एक क्या क्या चीज़ें हैं। आप आराम से थोड़ी यदि वीडियो आपको फास्ट लग रहे हैं तो थोड़ा स्लो कर लीजिए, और आप आराम से स्लो कर सकते हैं, ऐसे मैं ट्राई करूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे सोचा हूँ कि मैं जितने भी गेस्ट क्वेश्चन हो रहे हैं सारे क्वेश्चन को आपको कवर कर दूँगा, यदि आपने 64वीं को आपका मेंस लिखना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे पाल कला में स्थापत्य के अंतर्गत दो प्रमाण मिलते हैं, पहला बौद्ध कला का प्रमाण, दूसरा आपको यहाँ पे हिंदू स्थापत्य कला का प्रमाण। तो बौद्ध कला के प्रमाण आपको मिलेंगे महाविहार मिलेंगे, स्तूप मिलेंगे, चैत्य मिलेंगे, आपको लिखना होगा। इस बात में आगे दिखाऊंगा आपको कि महाविहार किसको कहते हैं, स्तूप किसे कहते हैं और चैत्य किसे कहते हैं। इस बात यहाँ पे हिंदू स्थापत्य कला के रूप में दोस्तों आपको मिला था विष्णुपद का मंदिर, कहलगांव का मंदिर और जो सूरजगढ़ का जो मंदिर था वो मिला था। अब देखिए दोस्तों बौद्ध स्थापत्य के अंतर्गत हम थोड़े डिटेल में देखेंगे, तो बौद्ध स्थापत्य के अंतर्गत यहाँ पे आपको महाविहार मिलता है, यहाँ पे आपको स्तूप मिलता है और चैत्य का प्रमाण मिलता है। अब महाविहार किसको कहते हैं, तो महाविहार का आपको सिनॉप्सिस आप बना लीजिएगा बस इतना कि महाविहार हम उसको बोलते हैं जहाँ पे बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान हो, यानी जहाँ पे बौद्ध भिक्षु ठहरे उसको हम लोग बोलते हैं महाविहार। और देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि महाविहार में मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है, यह बौद्ध स्थापत्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इनका निर्माण मूलतः बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान तथा शैक्षणिक केंद्र की दृष्टि से किया गया था, यानी यहाँ पे जो बौद्ध धर्म के जो ज्ञानी होते थे वो आकर के उसी महाविहार में यहाँ पे वो शरण लेते थे और बाकी उनके जो अनुयायी वहाँ पे उनको शिक्षा देते थे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी आपको बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास स्थान प्लस वहाँ पे शैक्षणिक दृष्टि के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके बाद दोस्तों इसके प्रमुख उदाहरण आपको मिलेंगे नालंदा स्थित औदान्तिपुरी महाविहार और भागलपुर स्थित विक्रमशिला महाविहार। देखिए विक्रमशिला एक यूनिवर्सिटी भी है, तो इसी सेंस में बना दोस्तों ये आज भी ये दोनों जीवित है, यानी आप जाके आप इसे देख सकते हैं, नालंदा स्थित औदान्तिपुरी महाविहार और भागलपुर स्थित आपका विक्रमशिला महाविहार। अब देखिए दोस्तों जो विक्रमशिला महाविहार जो महत्वपूर्ण संरचना है उसका मैं दिखा देता हूँ कि विक्रमशिला महाविहार कैसा था। यदि मान लीजिए एग्जाम में आ जाए तो आपको आप यदि फोटो बना देते हैं, पिक्चर बना देते हैं तो आपको 2 से 4 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको कला में जरूर से जरूर फोटो बनाना है, पिक्चर बनाना है, तो यहाँ पर महाविहार का पिक्चर कैसा होगा, पहले तो आपको यहाँ पर देखिए एक ऐसा आपको बना दिया गया, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बनाया हूँ, बस आपको इस तरह का बनाना है। ये आपका क्या है, गेट है, गेट मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्रवेश द्वार बोलते हैं। इस बार दोस्तों यहाँ पे रूम है, चारों तरफ इसके इधर रूम है,
ठीक है, जिसको कमरा बोलेंगे, और बाकी कमरा के बाद जो बीच वाला जो स्पेस बचता है उसको हम लोग बोलते हैं खुला आंगन। और यहाँ पे सीढ़ी बनाया गया है, यहाँ पे आपको सीढ़ी बनाया गया दिख रहा होगा आपको। और फिर आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है आपको कि ये बौद्ध विहार जो होते थे, जो महाविहार होते थे, वो एक मंजिला हो सकते थे, अभी दो मंजिला भी या तीन मंजिला भी हो सकते थे, ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। यानी सीढ़ियाँ दिखाने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे उसको जाने का रास्ता होगा। यानी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो जो महाविहार है, जो पाल कला के अंदर जो बौद्ध स्थापत्य के अंदर जो महाविहार आती है, वो आपका यहाँ पे दोस्तों वो प्रवेश द्वार आपको दिख गया होगा। दूसरा नमूना आपको बना देना है कि यहाँ पे कमरा है, तीसरा नमूना बना देना है कि खुला आंगन है, और चौथा नमूना आपको बना देना है कि सीढ़ियाँ हैं, और पांचवा नंबर की यहाँ पे दिखा देना आपको कि एक मंजिला से दो मंजिला जाने का रास्ता है, यानी कि उसको कर रहा है कि दो मंजिला भी बिल्डिंग है। इसके बाद दोस्तों स्तूप की बात करेंगे, तो मैंने आपको महाविहार बता दिया स्तूप क्या होता है। तो स्तूप यह जो ये स्तूप पाल कला से पहले प्रचलित स्तूप निर्माण परंपरा का भी व्यवस्थित विकास हुआ। देखिए ऐसे आपको मौर्य कला में भी आपको स्तूप का निर्माण मिलेगा, लेकिन इसका जो स्वरूप है स्तूप का वो काफ़ी कुछ व्यवस्थित आपको दिखाई कहाँ पाल कला में। तो पालकालीन स्तूपों के निर्माण में इस आरेख से हम समझ सकते हैं। देखिए आपको बस एग्जाम में कुछ नहीं लिखना, बस पिक्चर बनाइए, थोड़ा सा दिखा दीजिए कि देखिए मौर्य कला में तो स्तूप का निर्माण होता ही था, लेकिन आपको पाल कला में जो आपका निर्माण होता था स्तूप का, वो काफ़ी कुछ आपका इसमें मतलब कि नए नए चीज़ जोड़े गए यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से इसका हुआ। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे उम्र बीतती है, जैसे समय बीतता है, उस तरह से मैच्योरिटी भी लोगों में आती है। उसी तरह जो कलाकार थे उस समय के, उनके अंदर भी कुछ मैच्योरिटी आई होगी, तो जो भी कमियां थी मौर्य कला में वो इसमें पूरा हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको इस पिक्चर को बनाना होगा, आप इसे डरिए मत, इसको मैं समझा देता हूँ आसानी से। और इस पिक्चर को आपको बनाना है, अब आपको लगे कि मैं महाविहार का फोटो बनाऊँ या स्तूप का बनाऊँ, या फिर आपको नीचे यहाँ पे चैत आएगा उसका बनाऊँ, तो आपको समय पर डिपेंड है। यदि आपके पास समय है सफिशियंट तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज कोई एक या दो पिक बना करके आप आगे काम चला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहले तोरण, तोरण मीन्स प्रवेश द्वार, वहाँ पे प्रवेश द्वार था। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या होगा बाउंड्री आपका है, तो इसको बोलते हैं वेदिका, इसको बोलते हैं वेदिका। बाकी जो स्पेस बचा हुआ खाली स्पेस वो आपका इसको बोलते हैं परिदक्षिणा पथ, यानी इसमें लोग भ्रमण करते हैं, घूमते घूमते हैं। इसके बाद आपको देख रहा होगा चबूतरा का स्ट्रक्चर आपको देख रहा होगा ये चीज, तो चबूतरा को इसको चबूतरा बोलते हैं, फिर इसको मेधी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मेधी के ऊपर एक अंड रखा होता है जो आपका यहाँ पे अर्धचंद्रकार उल्टा रखा होता है, स्फीयर होता है जो अर्ध गोला होता है, जो उल्टा करके रखा हुआ है आपको दिख रहा होगा दोस्तों। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये इसका डिजाइनिंग थोड़ा मतलब ईंट की तरह आपको दिख रहा होगा, इसमें कलात्मक रूप से ईंट का प्रयोग हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको अभी ध्यान रखना है कि तोरण है, ये वेदिका है, प्रचना पथ है, और ये चबूतरा है, और ये आपका इसको हम लोग बोलते हैं अंड, ये अंड है आपका। फिर अंड के ऊपर आपका जो एक होता है क्यूब का स्ट्रक्चर का, क्यूआइड सॉरी आयता, यहाँ पे आपको बोल सकते घनाव स्ट्रक्चर का, यहाँ पे एक हरनिका होता है, और हरनिका में बुद्ध के अब जो जो उनके सब है उनका जला हुआ जो राख होता है वो रखा जाता है। और उसके ऊपर होता है दोस्तों यहाँ पे यष्टि होता है, और यष्टि के ऊपर होता है छत्र, और छत्र होता है दोस्तों आपको दिख रहा होगा छत्र में तीन चीज आपको दिख रहा होगा, तीन चीज, एक श्रद्धा है, एक सम्मान है, और एक उदारता है। तो आपको ये सारे चीज़ों को इंक्लूड कर देना है, एग्जाम में आपको काफ़ी कुछ अच्छे नंबर मिलेंगे दोस्तों। और यही नोट से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 38 में से अप्रॉक्स 30 मार्क्स पाए, काफ़ी अच्छे मार्क्स है दोस्तों। कोई सोच लीजिए आप, यदि आपको 38 में से 30 मार्क्स मिल रहे हैं तो ये काफ़ी शानदार मार्क्स है। इस बार दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे बताया हुआ लिखा हुआ है कि हरनिका में बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे, और छत्र में तीन चीज होता था, एक श्रद्धा होता था, एक सम्मान होता था, और एक उदारता का प्रतीक है आपका कौन है, ये आपका छत्र है। चलिए दोस्तों उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि साथ ही स्तूपों के माध्यम से महात्मा बुद्ध की पूजा होती थी। और जो भी स्तूप होते थे, जैसे आप जाइएगा गया का जो बुद्ध भगवान का मंदिर है, तो आप देखिएगा कि कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ है, और हम लोग जाते हैं उसमें पूजा करते हैं। आप देखिएगा उसका स्ट्रक्चर, आप इस बार जाइएगा तो आप आसानी से देखिएगा, राजगीर आप जाइएगा तो देखिएगा, आपको यहाँ पे उसको आप एनालाइज कीजिएगा उस मंदिर को, तो आपको यहाँ मिलेगा, एक मिलेगा आपको तोरण यानी प्रवेश द्वार, उसके बाद देखिए एक बाउंड्री बनाया हुआ यानी कि वहाँ पे आपको हो गया वेदिका, इसके बाद आपको फिर मिलेगा एक स्पेस होगा उस बीच में, उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, और फिर आपको एक चबूतरा मिलेगा, और चबूतरा के ऊपर जो अंड होता है रखा हुआ होता है उल्टा करके, और उसके बाद हरनिका होता है जिसमें बुद्ध के अवशेष होते हैं, और उसके ऊपर होते हैं यष्टि, और यष्टि के ऊपर होते हैं छत्र, और छत्र में होते हैं सदा समान और उदारता। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखा हुआ दोस्तों। अब देखिए हम लोग चैत की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों वीडियो में आपको समझाने के लिए इतना कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, यदि आपको मैं इस वीडियो को आपको दे दूँ और आप एक से दो बार पढ़ लीजिएगा, और इस वीडियो को यदि एक बार में समझ में आए तो दूसरा बार यदि देख लेते हैं तो आपको आसानी से क्वेश्चन सारे लिखा जाएंगे और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा इस, और इसमें कमेंट कीजिएगा कि आपको मतलब कि और किस चीज़ का वीडियो चाहिए, और इसमें क्या कुछ सुधार करना है उसके लिए भी आप यहाँ पे सुझाव दे सकते हैं, और आपका सुझाव है जो शर्माते रहेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे चैत्य, चैत्य क्या है। तो चैत्य पालकालीन बुद्ध
धर्म के मंदिर हैं। पाल कला में पहले से चले आ रहे चैत्य निर्माण का भी विकास हुआ। जैसे पहले आपको मौर्य कला से ही चैत्य का निर्माण हो रहा है, और ये आपको पाल कला में से काफी कुछ यहाँ पे उत्कृष्टता देखने को मिलती है, काफी यहाँ विकास देखने को मिलता है। तो इसकी इसकी संरचनात्मक यहाँ पे विशिष्टता निम्न आरेख के द्वारा दिखाया जा सकता है, एंड इसका जो स्ट्रक्चरल जो विशिष्टता है वो आपको निम्न रूप से दिखाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इसमें भी प्रवेश द्वार है, यहाँ पे आपको घेरा है, इसके बाद स्तंभ बनाया गया, स्तंभ के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति लगाई जाती है, और ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। एंड देखिए दोस्तों, आपको तीनों चीज लिखना नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया महाविहार, फिर बताया मैं दोस्तों आपको स्तूप, उसके बाद चैत्य। यदि एग्जाम आपको कम समय मिल रहा है तो आप एक या दो चीज लिख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो आपका हो गया, मैं बता दिया कि बौद्ध स्थापत्य। अब हिंदू स्थापत्य की बात बोलते हैं, तो हिंदू स्थापत्य कला के प्रमाण आपको मिलते हैं जो तीन मंदिर आपको दिखने को मिलेगा, जो मेनली रूप से जो गया का विष्णुपद मंदिर है, और जो आपका कहलगांव का भागलपुर में जो मंदिर है, जो गुफा मंदिर है उसमें, और सूरजगढ़ और जय मंगलगढ़ के मंदिर है। इस तीनों मंदिर में आपको यहाँ पे हिंदू धर्म का जो स्थापत्य के रूप में मिलेगा पाल कला के दौरान। इस बार दोस्तों हम लोग देखेंगे पालकालीन मंदिरों का उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण की नागर शैली का प्रभाव दिखता है। देखिए शैली तीन तरह के ऐसे में लिखा जाता है, एक नागर शैली है दोस्तों, एक बेसर शैली है, और एक आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं द्रविड़ शैली। तो नागर बेसर, देखिए आप कहीं चीज से फेंक सकते हैं, यानी कि आप मान लीजिए आपको शब्द की कमी पड़ गई तो आप लिख दीजिए कि इसके दौरान तीन शैलियों का विकास हुआ, उसमें एक नागर शैली थी, एक बेसर शैली थी, और एक द्रविड़ शैली थी। नागर शैली आपको नॉर्थ इंडिया में, बेसर शैली आपको मध्य इंडिया, यानी कि जो मध्य भारत है, और आपको यहाँ पे आपको दोस्तों द्रविड़ शैली आपको जो साउथ इंडिया में इसका आपको मंदिर के रूप में उसको दिखाएगा, आपका इसका शैली का प्रभाव दिखता है। तो यहाँ पे आपको मैं बताया कि ये सब सारे जो मैंने आपको बताया गया या जो भागलपुर है या फिर आपको सूरजगढ़ है, सभी नॉर्थ इंडिया के स्टेट है। तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे नागर शैली का प्रभाव दिखेगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने स्थापत्य आपको बता दिया, अब क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि पहले तो आपको इसका प्रमुख लक्षण को बताना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी स्थापत्य में। आपको मैं बताया कि बौद्ध स्थापत्य और हिंदू स्थापत्य, हिंदू मंदिर का स्थापत्य, अब इसमें क्या विशिष्टता थी इनमें। तो दोस्तों इसमें विशिष्टता थी, इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला यहाँ था कि अधिकांशतः ईंटें निर्मित थी, जो कुछ पत्थरों का प्रयोग था। देखिए पहले क्या होता था मौर्य कला में दोस्तों की सारे चीज जो प्रयोग होता था ईंट का प्रयोग होता था, लेकिन इसमें पाल कला में विशेषता था यहाँ पे ईंट का प्रयोग हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा इसके बाद में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ईंट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कुछ, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे अंड है उसमें कलात्मक रूप से आपको ईंटों का प्रयोग किया गया, जैसे कि वही है जो यहाँ पे आपको मौर्य कला में पत्थर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसका विशेषता हो गया दोस्तों। इस बात आपका दूसरा विशेषता हो गया कि धर्म से विशेष प्रभावित, यानी जो स्थापत्य कला है जो मेनली स्थान का धर्म है। मैंने आपको बताया कि कला क्या करता है, कला उस समय की संस्कृति के बारे में बताता है, उस समय की सभ्यता क्या थी उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये धर्म से प्रभावित है। दूसरा, इसमें अधिकांश जो ईंटे से निर्मित है, कुछ है जो पत्थर से निर्मित है, लेकिन जो भी ईंटे से निर्मित है उसका ईंट का जो कलात्मक तरीका से प्रयोग हुआ ये भी आप लिख सकते हैं। इसका दोस्तों यहाँ पे हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ है और बौद्ध आधारित स्थापत्य का निर्माण हुआ, जैसे महाविहार, स्तूप और चैत्य, यहाँ पे यही विशेषता है दोस्तों। अब देखिए, तो मैं बता दिया कि पाल कला के अंतर्गत आपको स्थापत्य कला के बारे में। अब देखिए पाल कला के अंदर मूर्ति कला के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो पाल कला के अंदर मूर्ति कला की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाल कला के महत्वपूर्ण विशेषताओं में मूर्ति कला का उल्लेखनीय स्थान है, यानी इसमें मूर्ति कला का भी काफी कुछ विस्तार हुआ है पाल कला में। विशेषकर इस काल में कांसे की प्रतिमाओं का सौंदर्य की तुलना दक्षिण भारत के चोल शासकों, जो 18वीं-12वीं शताब्दी में जो यहाँ पे चोल शासक थे, जो उसके समकालीन थे, यानी पाल कला के समकालीन ही थे, लेकिन जो चोल शासक थे वो हैं जो कांस्य की मूर्तियां उनको दिखते, जैसे आप नटराज की मूर्तियां देखते होंगे, वो नटराज की मूर्तियां जो काफी अभी लोकप्रिय है, वो मूर्तियां आपको चोल शासकों के द्वारा बनाया गया था, वो भी कांस्य की मूर्तियां थी। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, यदि आप कंपेयर करते हैं एग्जाम तो आपको यहाँ पे मार्क्स यहाँ एक दो नंबर आपको बूस्ट कर सकते हैं। इस बार दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए आप ये पाल कला में बताया गया, पाल कला में आपको मैं बता रहा हूँ मूर्ति कला, पाल कला में मूर्ति कला। तो मूर्ति कला में आपको मैं दो चीज बताऊंगा, एक बताऊंगा कांसे की मूर्तियां, एक बताऊंगा पत्थर की मूर्तियां। पत्थर की मूर्तियां का तो विकास तो मौर्य कला से ही हो रहा है, जो मौर्य काल है उसी से पत्थर की मूर्तियां बन रही है। लेकिन दोस्तों हम बात करें कांसे की मूर्तियां, तो कांसे की मूर्तियां का विकास आपको मेनली रूप से हुआ जो पाल कला में हुआ है। अब देखिए, अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे यही चीज लिखा गया है कि यहाँ पे पाल कला विशेष करके यहाँ पे फेमस है, प्रसिद्ध किस लिए है, तो यहाँ पे कांसे की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अब पाल कला की मूर्ति कला के स्वरूप को मुक्त गुप्तकालीन मूर्ति कला से प्रेरित है, जो गुप्त काल में मूर्ति कला का विकास हुआ। देखिए पहले तो मौर्य कला था, पहले मौर्य कला आया, फिर गुप्त कला आया, तो गुप्त कला, फिर गुप्त कला का विकास हुआ। इसके बाद फिर आया आपका कहाँ पे, यहाँ पे
गुप्त कला के बाद आपका आता है पाल कला। तो पाल कला में जो भी कुछ है, आपको देखिए ऐसा नहीं कि मूर्ति कला का विकास डायरेक्ट पाल कला में हुआ, पहले मौर्य कला में कुछ मूर्ति का विकास हुआ होगा, फिर उसका एडवांसमेंट हुआ होगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे फिर गुप्त काल में हुआ होगा, फिर आपको पाल कला में उसका एडवांसमेंट हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे पाल कला में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ से की निर्मित मूर्तियों का विकास हुआ है। अब पाल कला में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप इस तरह के डायग्राम बना देते हैं तो आपको एग्जामिनर है जो आपको जो चीज लिखे उसको नहीं पड़ेगा, आपको दिख जाएगा कि बंदा है जो यही चीज लिखा होगा इसमें, तो आपको यहाँ पे एडवांसमेंट मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे पाल कला की मूर्ति, पाल कला की मूर्ति कला। तो पाल कला की मूर्ति कला कांसे की निर्मित होती है, पत्थर की निर्मित होती है। तो कांसे की जो निर्मित होती है दोस्तों, ये मूलता है जो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से प्रभावित है, यानी इसमें बौद्ध धर्म का मूर्ति मिलता है और हिंदू धर्म का मूर्ति मिलता है। बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ बुद्ध भगवान की मूर्ति मिलती है और बोधिसत्व की मूर्तियाँ मिलती हैं, और साथ साथ हिंदू धर्म में आपको यहाँ पे बलराम और कृष्ण का मूर्तियाँ मिलती है। तो विष्णु भगवान है, कृष्ण को हम लोग बोलते हैं, उनकी मूर्तियाँ यहाँ पे कांसे की मूर्तियाँ मिलती है दोस्तों। यानी आप बोल सकते हैं कि मेनली यहाँ पे कांसे की मूर्तियाँ थी जो बौद्ध की मूर्ति यहाँ पे थी, और हिंदू यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी। इसका आपको उदाहरण आपको मिलता है कहाँ से प्राप्ति स्थल है, तो नालंदा का क्रिहार और सुल्तानगंज आदि में आपको यहाँ इस तरह के मतलब कि यहाँ पे मूर्तियाँ मिली थी। और उस समय के जो प्रसिद्ध है जो मूर्तिकार थे वो धीमन थे और बिथपाल थे। इसका दोस्तों हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण विशेषताएं मैंने आपको बता दिया कि देखिए भैया आप यहाँ पे क्या मैंने बताया आपको, मैंने आपको ये बताया कीजिए यहाँ पे कांस्य की मूर्तियाँ पे काफ़ी कुछ फेमस थी पाल कला में। तो कांस्य की मूर्तियाँ की क्या कुछ एडवांसमेंट, क्या कुछ इसमें विशेषताएँ थी। तो पहला दोस्तों ये थी कि पाल कला की मूर्तियाँ सर्वाधिक उत्कृष्ट थी और इसमें ढलवा पत्ती के द्वारा सांचे में ढली हुई थी। यानी ये मूर्तियाँ मतलब कि इसको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता था, एक बस सांचा को तैयार कर लिया जाता था और उसी सांचा में उस मूर्ति को यहाँ पे उसमें आपको कांस्य को भर दिया जाता था और उसको उस तरह से ढाल दिया जाता था। यानी इसमें काफ़ी कुछ कम मेहनत करना पड़ता था और इसमें काफ़ी कुछ अलंकरण था। तो इसमें तो आपको अलंकरण हाथ से करना नहीं है, बस आप एक बार ढांचा बना दीजिए अच्छे से और उसमें आप उसके अंदर यहाँ पे मटेरियल भर दीजिए, उसके बाद आप उसको ढांचा को हटाइए, अपना आप एक मूर्ति के रूप में वो हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये तो आपको विशेषता थी कांस्य की मूर्तियाँ में। लेकिन दोस्तों पत्थर की मूर्तियाँ की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे पत्थर की मूर्तियाँ का विकास पाल कला में हुआ था और पाल कला में पत्थर की मूर्तियों का विकास तो हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि पत्थर पर आपको काफ़ी कुछ अलंकृत कर नहीं सकते हैं, तो जो भी आपको पाल कला में पत्थर के द्वारा जो भी कुछ अलंकरण मिला था दोस्तों, उसमें जो उसका अगला भाग था मूर्ति का अगला भाग था काफ़ी कुछ अलंकृत था, लेकिन पिछला भाग वहाँ पर सपाट था। तो आपको यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसका जो मेनली सेंटर था जो कहाँ से मिला है, वो मिला है आपको मुंगेर में इसका निर्माण हुआ था और संथाल परगना के क्षेत्रों में, जो संथाल परगना जो आपको यहाँ पे झारखंड में पड़ता है उस परगना में इसका आपको अवशेष मिला है दोस्तों। तो इसका प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो पत्थर की मूर्ति हाथ से निर्मित होती थी, यानी इसको जो कलाकार है जो हाथ से बनाते थे, और उसमें आपको कांस की मूर्ति क्या थी, कांस की मूर्ति आपको उसमें ढालवा किस्म की एक पत्ती थी, उसमें आपको सांचे के रूप में ढाल देता था। इसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे मिलेगा आपको इसमें शरीर के अग्रभाग का चित्रण, यानी सिर्फ अगला भाग ही चित्रण इसका होता था, उसमें अगला भाग अलंकृत होता, बाकी पिछला भाग इसका है वो सीधे सपाट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आप मान लीजिए पाल कला की आलोचना करने के लिए कहा जाए तो आप इसमें बोल सकते हैं कि पाल कला में जो पत्थर की मूर्तियाँ होती थी उसके पिछले भाग सपाट होते थे। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं दोस्तों कि जो भी पाल कला की मूर्तियाँ थी कांसे की मूर्तियाँ, उसमें काफ़ी कुछ अलंकरण था, मतलब इतना ज़्यादा अलंकरण था मतलब कि इसमें तो कुछ यहाँ पे जो भी कलाकार हैं जो भी मूर्ति यहाँ पे इसका निर्माण करते उनको कुछ ज़्यादा हाथ से कुछ करना नहीं पड़ता था, बस एक बार उसको ढांचा तैयार कर दिया जाए उसमें ढाल देते थे, उसमें किसी कारण से बहुत ज़्यादा अलंकरण था उस मूर्तियाँ। तो अभी इसका क्या है आलोचना का ये चीज़ है, तो आप उसमें आलोचना में भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे बेसाल्ट पत्थरों का इसमें प्रयोग होता था मूर्तियाँ बनाने के लिए, और फिर अलंकरण की प्रधानता युक्त आकर्षक मूर्तियाँ, यहाँ भी अलंकरण आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे मिलेगा पत्थर में भी। इस बार देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया पाल कला के अंतर्गत स्थापत्य बता दिया, मैंने मूर्ति कला बता दिया आपको, मैं पाल कला के अंदर चित्रकला बताऊंगा। देखिए मैं पाल कला को ब्रॉडर सेंस में कवर कर रहा हूँ। तो पाल कला के अंदर चित्रकला की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दो तरह की चित्रकला आपको दिखाई पड़ेगा, एक पांडुलिपि चित्रकला और एक भित्ति चित्रण। तो पांडुलिपि चित्रकला की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बस एक डायग्राम याद करना है, यहाँ पे आपको एक तरह से दिख रहा होगा पेपर, ठीक है, ताम्रपत्र, पेपर तो पर होता है ताम्रपत्र होता था। तो ताम्रपत्र पर एक तरफ आपको क्या होता था, कुछ पिक्चर बना दिया जाता था, मतलब कुछ चित्र बना दिया जाता था, ठीक है, और उसको कलरफुल काफ़ी डिजाइनिंग कर दिया जाता था उसको, और उसके बाद एक तरफ उसे लिखा जाता था, उसको जो भी कुछ मान लीजिए कोई कवि जो कविता लिखना चाहता है, फिर कोई कुछ अपना इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना चाहता है, किसी के बारे में सुंदरता के बारे में जानना चाहता है, किसी राज्य के बारे में, किसी राजा के बारे में वर्णन करना चाहता है, तो सारी चीज़ों की इसमें इधर लिख देता था, उधर चित्र बना देता था। तो आपको अगर पांडुलिपि चित्रकला, यानी इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है कि मुख्यतः ताम्रपत्रों पर मिलते हैं और इसके बनाने के लिए इसका बनाने का उद्देश्य सजावट करना है। देखिए इसको बाहर जो बाउंड्री होता था उसमें काफ़ी कुछ अलंकरण होता था दोस्तों, और इसके विषय वस्तु को विस्तार देना था, और इधर आपको लेखन जो यहाँ दिख रहा होगा आपको उसमें विषय वस्तु का विस्तार, इसमें आपको बहुत सारा कुछ इसमें लिख देते थे, और इधर आपका लघु चित्र होता था, कुछ भी जो भी चित्र आपको बनाना है बना सकते थे। तो दोस्तों एक आपका एक एग्जाम्पल इसका है,
जो आपका यहाँ पांडुलिपि, जो पाल कला का जो पांडुलिपि चित्रकला है उसका एग्जाम्पल आपको है जो अष्ट सहस्रिका जो आपका यहाँ पे दोस्तों आपको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अभी रखा गया है इसके चित्रकला को। इसका दोस्तों एक भित्ति चित्रण है, भित्ति चित्रण मुख्यतः दीवार पर होती थी और उनमें फूल पत्तियां बनाई जाती थी और मानव का चित्रण, पशु का चित्रण, ये सब चीज को मतलब बनाई जाती थी। और यही चीज का विकास आगे जाकर के जो मध्यकाल में से, मैं पाल कला बता रहा हूँ, मध्यकाल का यहाँ पे कला का विकास है। अब आधुनिक काल में आपको मधुबनी पेंटिंग मिलेगा, पटना पेंटिंग मिलेगा, तो ये आधुनिक काल के लिए बेस की तरह ये काम करता है। क्योंकि दोस्तों कला का विकास निरंतर होती है, ऐसा नहीं कि आधुनिक काल में डायरेक्ट आकर के कोई रॉकेट साइंस ऐसा कुछ हुआ कला का विकास होगा, नहीं, वो आपका एज ए बेस यहाँ पे पाल कला का चित्रकला जो बेस मिला मधुबनी पेंटिंग के लिए, पटना कला के लिए, तो भी आप दिखा सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल दोस्तों आप लिख सकते हैं सराय टीला, जो नालंदा में विशिष्ट भित्ति चित्रण इसका है, यानी आपको बोल सकते हैं सराय टीला का। और ऊपर क्या है तो पांडुलिपि है जो अष्ट सहस्रिका इसका एग्जाम्पल है, और यह है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रखा गया। और उसी तरह इसका एग्जाम्पल भित्ति चित्रण का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दोस्तों सराय टीला नालंदा का। इसका हम निष्कर्ष निकालते हैं दोस्तों, जो मैं आपको बताया कि पाल कला के अंदर मैंने स्थापत्य कला बताया, पाल कला के अंदर आपको मैंने मूर्ति कला बताया, पाल कला के अंदर मैंने आपको यहाँ पे दोस्तों चित्रकला बताया। अब मैंने उसको काफी कुछ एनालिसिस किया, अब आपको निष्कर्ष लिखना है, तो आप निष्कर्ष खुद से भी लिख सकते हैं। ऐसे में थोड़े से शब्द में लिख करके इसे कंक्लूड कर दिया हूँ, आपको जैसा जरूरत हो उस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर निष्कर्ष था, पाल कला के माध्यम से पाल शासकों ने पूर्व मध्य काल में न सिर्फ सशक्त उपस्थिति दर्ज की है, बल्कि स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला की दृष्टि से बिहार की गौरवशाली कला का परंपरा के नए आयाम भी जोड़े हैं। जिस तरह से यहाँ पे पहले बिहार, जैसे मौर्य काल में क्या हुआ, बिहार में सत्ता जो केंद्रित हुआ, जो केंद्र जो सत्ता जो बिहार में, मतलब बिहार के लोगों के हाथों में आया, तो बिहार में मौर्य कला का विकास है। उसी तरह गुप्ता काल में भी यहाँ पे बिहार के लोगों को ही, यहाँ पे गुप्त काल में भी सत्ता मिलता है, तो वहाँ भी कला का विकास होता है। उस तरह दोस्तों इसके बाद भी आपको थोड़ा कला का विकास धीमा पड़ जाता है, उसके बाद फिर आपको मौर्य, यहाँ पे पाल कला में भी सत्ता मिलता है, तो यहाँ पे भी पाल कला में काफी कुछ विकास होता है। और जो पिछले मतलब कि जो आपको एंशियंट टाइम से, यानी कि प्राचीन काल से जो भी आपको कुछ कला का विकास मिला था उसको बेस लेकर के यहाँ पे पाल कला में इसका और विकास हुआ। और पाल कला में तीनों चीज का विकास हुआ, साथ स्थापत्य का, मूर्ति कला का, चित्रकला, तीनों का विकास हुआ उसका। और ये बिहार की गौरवशाली इतिहास को बताता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें जो भी कुछ मूर्तियां होती थी, कांसे की मूर्तियां इसमें विशिष्ट थी, ये सब जोड़ सकते हैं। इसका दोस्त इसमें जोड़ सकते हैं कि इसमें अलंकरण की प्रधानता थी, यानी इसमें काफी मूर्तियां थी जिसमें अलंकरण होती थी। इसका इसमें आप जोड़ सकते हैं दोस्तों नई नई चीजें आप जोड़ सकते हैं इसमें आप, कि कैसे है जो ये है जो आपको भारत के अलावा जो भी उसका पड़ोसी देश है उसमें भी इसका विकास हुआ। इस तरह की विशेषताएं निष्कर्ष आप इसमें लिख दीजिएगा, पॉजिटिव दिखा दीजिएगा आप। तो ये आपका रहा दोस्तों, ये आपका पाल कला का क्वेश्चन आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा था कि बिहार में पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दे। मैंने बिहार में पाल कला का प्रमुख विशेषताओं, मैंने बिहार में पाल कला के बारे में बताया, उसके हर सेक्शन को, हर सेक्शन स्थापत्य का क्या विशेषता है, मूर्ति कला का क्या विशेषता है, और आपको चित्रकला का क्या विशेषता है, मैंने हर चीज़ को काफी कुछ अच्छे से क्लियर किया दोस्तों। तो इस तरह से आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाल कला को मैं कवर कर दिया। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका मौर्यन आर्ट, मैं उसको भी कवर करूंगा। तो चलिए दोस्त, तो आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से आपको इसका सिनॉप्सिस बना लेना है, मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ, इसमें सिर्फ वही लोग ज्वाइन कर जो 64वीं बीपीएससी दे रहे हैं, और इसमें जो मतलब कि बस आपको यहाँ पे, बस आपको पीडीएफ यहाँ पे ले लेना है इसको, और इसको अच्छे से पढ़ लेना है, और आप एग्जाम में अच्छे से लिखिए। और चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको लगता है कि कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करना है तो आप इस क्वेश्चन को बोलिए, मैं उसको कवर कर दूंगा एग्जाम में, और आपको काफ़ी कुछ फायदा मिलेगा। चलिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, जय भारत, जय बिहार।